ओम शांति। आज की तारीख है 4/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। जो हम आत्माओं के अनेक जन्मों की कहानी, या ये कहें कि आदि से लेकर के अंत तक की कहानी जो जानते हैं, तो वो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को उस स्वदर्शन चक्र की बातें सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं स्वदर्शन चक्र के विषय में मीठे मीठे बाप दादा ने क्या कहा। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म तुम्हारे विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है, ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग, इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। नंबर 2 है, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। नंबर 3, इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। नंबर 4, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य और अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप दे रहे हैं। नंबर 5, तुम सांवरे से गोरे बनते हो। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। स्वदर्शन चक्र माना आत्मा ने ज्ञान के द्वारा इस पूरे कल्प में कितने जन्म का चक्र लगाया, वो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो बाबा कहते हैं, उसको फिराते रहो और नष्ट मोहा बनना है, क्योंकि चक्र फिराने से हमें ये पता चलता है कि अब ये सृष्टि रूपी नाटक पूरा हुआ, मेरा अंतिम जन्म की अंतिम अवस्था है, इसीलिए अब मुझे घर जाना है। तो घर जाने से पहले नष्ट मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। नंबर 2, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवादारी भव। जो जितना सेवा का उमंग और उत्साह रखते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन
कभी भी टेंशन में बदली न हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।